चलते भाई आगे, अब दिखाते हैं आपको आगे का नजर वो। ठीक है आ जाओ। कपिलेश्वर पहुंचने से पहले हमें लगी थी काफ़ी तेज भूख, तो हमने यहाँ पे स्टे थोड़ी देर का रेस्ट किया और खाना खुना बनाया। यहाँ पे चल रही है तैयारी, लंच का टाइम, और ये बन रहे चावल। 3 बजे चावल बन रहे हैं, यहाँ पे लगे पड़े। वैसे तो आपको खाने की सुविधा जगह जगह पे ढाबे पे होटल पे मिल जाएगी, बट अगर आप अपना लेके जाएंगे तो आपका टूर में खर्चा कम आएगा, जो आपको एक आधी जगह और एक्स्ट्रा घूमने के लिए काम आ सकता। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। अब मेरे भी ले लो ड्राइविंग करते हो। आपको कल्पेश्वर महादेव पहुंचने के लिए ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग और देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग और फिर वहां से गोपेश्वर, गोपेश्वर से आगे हेलांग पड़ता है, हेलांग से ही कल्पेश्वर महादेव का रोड जाता है जो उर्गम वैली के नाम से रोड होगा। और अगर आपको कल्पेश्वर महादेव मैप में नहीं मिल रहा तो आप अच्छा बच्चा वाटरफॉल के नाम से सर्च मार सकते हैं आप। मेन हिलांग रोड से कल्पेश्वर महादेव 15 किलोमीटर का रूट पड़ता है। ये रोड काफ़ी ख़राब था, लगभग आगे 10 किलोमीटर तक अंडर कंस्ट्रक्शन था रोड, ये बन जाएगा शायद 1-2 साल में। ये है भाई रिस्की रास्ता, वाकई में तेरी जानू इतना नेड़ा रास्ता और रिस्क है इस रास्ते। इसे तो बंद कर देना चाहिए, इतना रास्ता ना बने। इसे बंद कर देना चाहिए, रास्ता इतना ना बने भाई, ये तो ज्यादा रिस्क है इसमें। अरे वाह रास्ता देखो, रास्ता भाई साहब रास्ता देखो, और भूल करना ये यहाँ से, यहाँ बिल्कुल भी भूल के आने की राजनीति न का मैं किसी को भी, यहाँ ना यो बिल्कुल भी भूल के, यो एक नया एक्सपीरियंस यो भी है भाई। सीन अभी मिलवाएंगे आपको पंकज सैनी से, थोड़ी से 1 मिनट सेकंड दे दो कुछ, अभी मिलवाएंगे मेरे भाई। वो बताएंगे अपनी राय, ये बताएंगे अपनी राय, मेरी तो राय बिल्कुल है नहीं कि यहाँ दोबारा आओ। हाँ तो भैया कैसा पंकज कुमार जी, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? मैं तो घटी बड़ी है मतलब मना ही कर रहा भाई साहब बिल्कुल। मेरा भी लो ये लो भैया, बताओ भैया। भाई जरूर आओ, महादेव पे विश्वास रखो, आओ। ना विश्वास तो हमें है, बोल शंकर भगवान की जय। आओ भाई आओ, बिल्कुल आओ। जो भटका हाथ मारी हो कहां जा गई कोई नहीं भाई। देखो एक बात है और तो कुछ है ना, देखो पहाड़ी लोग अच्छे हैं, देखो ये खड़े क्यों हुए, इनके पता नहीं बेचारों के कब कटेंगे कद खाएंगे, ये देखो जभी मरेंगे चेरी भी होली बड़ी बड़ी, इनके अपना बेचारों की जीवनी कटी है। एक बात है बताऊंगा तुम्हें भाई साहब, लोकेशन बड़ी बड़ी खतरनाक है रुकने की। तो भाई कल्पेश्वर महादेव पहुंचे हैं और ये देखो झरना, लो भाई हर हर महादेव। मेरी चुक गई फिर पैदल आ रही, उस पर लिखा हुआ फूल पे थे। तो भाई कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर। जय श्री महाकाल, जय श्री महादेव।
ये भाई जीश ये कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में से एक आओ तो भाई ये मंदिर है यहाँ पे। आप ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पंच केदार में से एक केदार पड़ता है, ये पांचवा केदार कल्पेश्वर महादेव के नाम से जिसे जाना जाता है। और यहाँ पे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के कल्प अर्थात केस की पूजा की जाती है। तो आप कभी भी आओ इधर चमोली साइड तो बिल्कुल दर्शन करके जाओ, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। हर हर महादेव। इसका निर्माण और पंच केदारों का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। ये बाबा जी और कुछ भी है दर्शन करने में यहाँ पे? यही मंदिर है और कुछ भी है दर्शन करने में यहाँ पे? मंदिर यही है। अच्छा, तो भाई कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करके अब चलते हैं यहाँ से घर के बद्रीनाथ की तरफ। तो भाई कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करके हम निकले यहाँ पे, बड़े शांति से दर्शन हुए, सुख शांति से, मतलब छीद में बिल्कुल पूजा की, बहुत ही सुंदर बाबा की मूर्ति प्रतिमा, अद्भुत नज़ारा, बोलने के लिए कोई व्याख्या नहीं है। अभी शाम का समय हो गया है, अदरवाइज तो हम यहाँ पे थोड़ा और समय व्यतीत करते हैं। कोई नहीं, आप आओ, कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में से एक पड़ता है, बिल्कुल अर्ज। और अगर आपको मैप पे सर्च करना है तो कपिलेश्वर कल्पेश्वर के नाम से नहीं मिलेगा, आपको उर्गम वैली के नाम से सर्च करना पड़ेगा। उर्गम वैली के नाम से सर्च करना पड़ेगा आपको, और उर्गम वैली का लोकेशन डाल लो, गांव से होते हुए इधर आ जाओ और फिर दर्शन करो। तो मिलते हैं अब बद्रीनाथ के व्लॉग में। हर हर महादेव। पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव ही है जो 12 के 12 महीने खुला रहता है। आपको स्टे करने के लिए यहीं पे उर्गम विलेज में स्टे करने का साधन मिल जाएंगे और आप वहीं पे खाना होटल वगैरह सब ले सकते हैं। भाई उसी मठ आए अभी, डिनर का टाइम हो रखा है वैसे तो, देखते हैं कुछ खाएंगे। समोसा ब्रेड ब्रेड 20 का, समोसा 15 का। यहाँ पे यहाँ से रह गया 44 किलोमीटर बद्रीनाथ, और चलते हैं। चलो भाइयों हो गया, चलो भाई पहाड़ देखो बिल्कुल बाहर, गड़बड़ करा गड़बड़ करा, पहाड़ देखो बिल्कुल बाहर है, पहाड़ों में से निकलते हैं रास्ता बद्रीनाथ का। और रात को बद्रीनाथ में स्टे एंड सुबह दिखाते हैं आपको ओपनिंग शेयर मनी। ये भाई साहब, अगर आप डायरेक्ट बद्रीनाथ आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश से होते हुए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और उखीमठ होते हुए बद्रीनाथ को जा सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ 320 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई पहुंच गए यहाँ पे हम बद्रीनाथ, और सामने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, रास्ता बंद कर रखा है क्योंकि कल सुबह ओपनिंग सेरेमनी है। तो मिलते हैं कल सुबह, गुड बाय।